प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिकस के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने ये सीखा था कि यूजिंग रो ऑपरेशन मैट्रिकस का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन आज हम लोगों ने पढ़नी है वो है रैंक ऑफ आ मेट्रिक्स किसी मैट्रिक्स की रैंक किसको कहते हैं ठीक है द रैंक द रैंक ऑफ आ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स एशलोन और रिड्यूस एशलोन फॉर्म रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की कि जब आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर रो प्रेशन लगाते हैं और उसको एशलॉन या रिड्यूस एशल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो एश्लॉन या रिड्यूस एशल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद आपने गिनना है देखना है कि मेटिक्स में नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं तो जितनी नॉन जीरो रोज की तादाद होगी मैट्रिक्स की एशलोन फार्म में या रेड्यूस एशलोन फार्म में रेडो एशलोन फार्म और रेड्यूस एशलोन फार्म जब भी आप किसी की मैट्रिक्स की बनाती हैं तो दोनों में नॉन जीरो रोज की तादाद जो है वो सेम ही होती है चाहे वो एश्लोन फार्म में आप बनाए मैट्रिक्स को चाहे रेड्यूस एचलोन फार्म में बनाए ठीक है तो नॉन जीरो रोज जो बनती हैं उनकी तादाद जो है दोनों केसेस में सेम ही होती हैं तो किसी एक केस में चाहे एश्लोन फार्म के केस में चाहे रेड्यूस एशलोन फार्म केस में आप क्या करें गिनने के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं ठीक है नॉन जीरो रोज की तादाद जो है वो कितनी आ रही हैं जितनी नॉन जीरो रोज की तादाद होगी उतनी क्या होगी उस मैट्रिक्स की रैंक होगी ठीक तो है तो ये है की डेफिनेशन एशलॉन फॉर्म में या रेड्यूशन फॉर्म -e में मैट्रिक्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी एक की हुई है उसके अलावा जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया था तो उसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स को आइडेंटी मैट्रिक्स में जो है वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो है वो रिड्यूस किया था तो जिस तरह एडेंटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं किसी मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन लगाने के बाद उसी वे उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हो जो है एशलॉन या रिड्यूसेशन फॉर्म -e में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स को या रिड्यूस करते हैं फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आडेंटी मैट्रिक्स की शेप कुछ और तरह की होती है इन जनरल और जो एशलोन या रिड्यूसर एस्ट्रॉन फॉर्म की जो शेप होती है मेटिक्स की वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है लेकिन इन जनरल हम लोगों ने जो है वो अपनी मर्जी के एलिमेंट्स जो है वो लेके आने होती हैं फिक्स पोजीशन के ऊपर तो वो मर्जी के एलिमेंट हम जो है रोपेशन जो है लोग ले कर आ सकते हैं किसी पोजीशन पर जिस पोजीशन पर हमें जो एलमेंट कोई कोई जो है वो चाहिए होता है ठीक है एचलोन फॉर्म या रेड्यूस एक्ट्रॉन फार्म लाने के लिए इससे रिलेटेड लि� नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की हुई है एग्ज़ाम्पल नंबर ट्वेंटी वन यहाँ पर सॉल की हुई है मैट्रिक्स एक आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है और कहा गया है कि आप लोगों ने क्या करना है इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी है अब रैंक ये भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कि मैट्रिक्स को जैसा आप क्या करें रिड्यूस कर लें एशलॉन्न फॉर्म में या रिड्यूस एश्रोन फार्म में और उसमें गिन लें कि उसमें नाज रोज की तादाद जो है वो कितनी आ रही है ठीक है जितनी नाज रोज की तादाद होगी उतनी क्या होगी उस मैट्रिक्स ए की रैंक होगी अब हमारे पास ऑप्शन है चाहे हम एशलॉन्न फॉर्म में रिड्यूस करें चाहे हम रेड्यूस एक्शन फार्म में रिड्यूस करें दोनों किस्में हमें आंसर सेम ही मिलेगा तो क्योंकि एशलोन फॉर्म तो में रेड्यूस करने के बाद ही हमें जो है हम मैट्रिक्स को रिड्यूस एक्शन फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं या दूसरे लफ्जों में कहें तो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें जो है वो ज्यादा कुछ प्रेशन दो तीन प्रशन जो है वो ज्यादा लगाने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू दिस की जोमेटिक्स को क्या ऐए, करें एशलोन फार्म में ट्रांसफॉर्म करें ठीक है तो एश्लॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कम ऑपरेशन लगते हैं और रिड्यूसर फॉर्म में और रोड्यूस एन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें जो है वो दो तीन ऑपरेशन जो है वो एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं दो तो तीन या तीन चार ऑपरेशन जो है एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं तो हम अपने का काम को का आसान करते हैं क्योंकि एशलोनो फॉर्म के लिए हमें कम ऑपरेशन लगते हैं एज कम्पेयर टू रिड्यूस एशलोन फॉर्म तो हम क्या करेंगे और दोनों से हमें यहाँ से जो सेम मिल रहा है तो हम अपने अपने लिए आसानी करेंगे हम क्या करेंगे मैट्रिक्स को जस्ट जो है वो एश्लोन फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करेंगे और ऑपरेशन लगाने के बाद और देखेंगे एश्लोन फॉर्म में जो है रिड्यूस करने के बाद मैट्रिक्स में नॉन रोज़ की तादाद कितनी आ रही है जितनी नॉन रोज़ की तादाद होगी उतने ही क्या होगा उतनी क्या होगी मैट्रिक्स की रैंक होगी अब एग्जांपल में मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है मैंने आपको बताया हुआ कि आगे आगे तो है कि चाहे आपने मैट्रिक्स को तो एशेलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना हो या रिड्यूस रिड्यूसर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना हो आप लोग ने स्टार्ट कैसे करना है आप लोगों ने मैट्रिक्स की जो पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है वहां स्टार्ट करना है आप तो लोगों ने क्या करना है उसको 1 बनाना है उसको वन बनाने का ये फ़ायदा होता है कि उसकी मदद से जो है उसके कॉलम उसका उसी कॉलम में मौजूद बाकी जो एंट्रीज होती हैं उनको हम वन की मदद से जो है वो वन वाली रो की मदद से जो है वो आसानी से ज़ीरो बना सकते हैं वन की मदद से जीरो बनाना आसान होता है बाकी कॉलम वाली एंट्रीज को इसलिए हम क्या करते हैं पहली रो और पहली कॉलम वाली जो एंट्री होती है मैं सबसे पहले हम उसको वन बनाते हैं और कॉलम वाइज मूव करते हैं जहाँ जहाँ पे जो एंट्री चाहिए होती है वो एंट्री बनाने के बाद बाकी एंट्रीज को जीरो करते जाते हैं और कॉलम वाइज जो है इस तरह एंट्रीज अपनी मर्ज़ी की जो बनाते जाते हैं एशलोन फॉर्म में बनाना है तो पहली एंट्री को वन बनाएंगे ठीक है और उसके बाद फिर उससे नीचे वाली एंट्री जो होंगी उसको जीरो बनाएंगे तो पहली एंट्री यहाँ पे आ रही है फाइव अब फाइव की जगह वन बना बनाने की आपके पास जो दो ऑप्शन आसान है आपके पास एक तो ये है कि आप पूरी की पूरी रो वन को जो है फाइव से वन ओवर फाइव से मल्टीप्लाई कर दें आपको यहाँ पर फाइव वन फाइव वन मिल जाएगा लेकिन उससे आपके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पे जो है नाइन बाई फाइव आ जाएगा यहाँ पे थ्री बाई फाइव आ जाएगा फ्रैक्शन क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आ जाएगा और क्वेश्चन के स्टार्ट में अगर आप फ्रैक्शन इन्वॉल्व कर देंगे तो बाकी जब नेक्स्ट आप ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको उस कैलकुलेशन करते हुए मुश्किल पेश आएगी क्योंकि तो फ्रैक्शन के साथ एडिशन या सब्टशन करना मल्टीप्लिकेशन करना उसका उसके केस में आप लोग आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलती के चांसेस भी हो सकते हैं इसलिए इस ऑप्शन को फिलहाल हम जो है वो स्किप कर देते हैं ये और ऑपरेशन हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं लगा लेंगे तो गलत नहीं होगा वो वाला लेकिन आपके लिए मुश्किल पेश हो जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए, के लिए, के लिए से हम इसको फिलहाल यहाँ पे नहीं लगाएंगे और उसके लायक ऑप्शन क्या है एक ऑप्शन ये है कि हम क्या करें यहाँ पे माइनस थ्री आ रहा है अगर हम क्या करें फाइव में जो है वो अगर हम फाइव में से अगर हम जो है वो फाइव में अगर हम ऐड कर दें माइनस सिक्स को तो उससे क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन को जब हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो प्लस वन मिल जाएगा तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है कि हम क्या करें पूरी की पूरी ये जो आर टू है इसको हम मल्टीप्लाई करें टू के साथ जब आर टू को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस सिक्स बन जाएगा और इसको जब हम आर वन में ऐड करेंगे तो ये जो माइनस सिक्स यहाँ बनेगा ये यह माइनस सिक्स जो है वो आर वन के इस फाइव में ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइव प्लस माइनस सिक्स ये बन जाएगा आपके पास माइनस वन तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस वन और इस तरह बाकी आंसर भी लिखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे इस पूरी की पूरी आर वन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो माइनस वन है ये क्या बन जाएगा प्लस वन बन जाएगा तो यहाँ पे प्लस वन बने तो के लिए अगर इस सब ऑप्शन को आप देखें तो आपको दो ऑपरेशन लगाने पड़े हैं कि ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है और दूसरा फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है फिर यहाँ पे वन बन रहा है तो एक ऑप्शन आपके पास ये आ गया आप ये भी यूज कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन जो है उसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि आप क्या करें हम देखें यहाँ पे माइनस वन आ रहा है अगर हम क्या करें ए, ये वाला ऑपरेशन लगाने की बजाय ये वाला ऑपरेशन लगाने की बजाय अगर हम क्या करें इन दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दें पहली और तीसरी को और फिर यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन जब आएगा तो पूरी की पूरी रो को जो है वो फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये यह माइनस वन या प्लस वन बन जाएगा ये ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है आसान लग रहा है जो पहले वाला ऑप्शन था उसमें फ्रैक्शन आ रहा था फाइव आ रहा था फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहे थे आपके तो उसको तो हम जो है वो कोशिश करेंगे कि ना ही यूज करें उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम लोगों ने पहले जो है वो ये वाला ऑपरेशन यूज करना है ये वाला ऑप्शन भी ठीक था लेकिन उसके लिए पहले आपको ये वाला रोप्रेशन यूज करना पड़ेगा फिर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उससे बेहतर तो यही है कि आप क्या करें जस्ट इन दो रोज को इंटरचेंज करें और यहाँ पे जब माइनस वन आएगा तो उसको फिर पूरी की पूरी रोक नेक्स्ट टाइम माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेहमान मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए तो ये वाला थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा है और फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो ये वाला जो है रोपेशन यहाँ पे यूज करेंगे उन्होंने भी यहाँ पे यही किया हुआ है और याद रखे मैंने आपको यहाँ पे तीन तरीके जो बता दिए यहाँ पे वन बनाने के ठीक है तीनों तरीकों से आप कोई भी तरीका यूज में से आप कोई भी तरीका यूज करेंगे आपका वो तरीका गलत नहीं होगा आप इन दी एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वो कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप की हो जाएंगी एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप की हो जाएंगे ए, लेकिन इन दी एंड आपका आंसर क्या आएगा इन दी एंड सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा जो की इस ऑप्शन को या इस वे को जो है वो इस ऑपरेशन को यूज करते हैं आपको आंसर मिलेगा तो आंसर आपको इन एंड सेम मिलते हैं ऑपरेशन यू जो यूज कर रहे थे ऑपरेशन वो, वो हो सकते हैं स्टूडेंट के डिफरेंट हो जैसे मैंने अभी तीन ऑप्शन बता दिए हो सकता है एक पहला ऑप्शन फॉलो कर ले एक स्टोडा दूसरा ऑप्शन फॉलो कर ले स्टूडेंट जो है वो ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है फॉलो कर ले तो ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इंडियन आपका सेम ही आता है आप लोगों ने चूज करना होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो आसान लगता है या फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन होता है फिर आप लोगों ने खुद ढूंढना होता है कि एक ही ऑप्शन वो कौन सा ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा जिसको हम लगाने के बाद अपनी मर्जी का एलिमेंट जो है वो किसी फिक्स पोजिशन पे जो है वो लेके आ सकते हैं तो ये सारा

उसके बाद नेक्स्ट जब रोज कंटेंज कर दिया तो यहाँ पे प्लस वन चाहिए था माइनस वन नहीं चाहिए था तो नेक्स्ट स्टेप अब आसान ही है माइनस वन की जगह का आप लोगों ने प्लस वन बनाना है तो आप क्या करें पूरी की पूरी रो को क्या, क्या करें माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दें अब ये रो कौन सी बन रही है पहली रो बन रही है तो पूरी की पूरी फर्स्ट रो को जो है आर वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास ये यह जो यहाँ पे जो है वो वन बन जाएगा माइनस वन जो है प्लस वन बन जाएगा माइनस फाइव प्लस फाइव और माइनस थ्री जो है वो प्लस थ्री बन जाएगा तो ये आपके पास वन यहाँ पे बन गया जो कि हमें चाहिए था अब उसके बाद नेक्स्ट एश्लोम फार्म बनानी है एश्लोम फार्म क्या होती है कि पहली जो नॉन जीरो एंट्री आ रही है किसी रो की या पीवट एलिमेंट जो आ रहा है जिस पहली नॉन जीरो एंट्री को पीवट एलिमेंट कहते हैं किसी रो की पीवट एलिमेंट के बाद जो उससे नेक्स्ट रो होगी उस नेक्स्ट रो का जो पीवट एलिमेंट होगा जैसे सेकंड रो नेक्स्ट उस नेक्स्ट रो का पीवट एलिमेंट जो है वो इस पीवट एलिमेंट से क्या होगा आगे कहीं होगा या तो वो यहाँ पे कहीं होगा या तो वो यहाँ पे कहीं होगा अगर वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा नॉन एलिमेंट वो तब भी पॉसिबल है जब ये वाला एलिमेंट जीरो ठीक है जब ये वाला एलिमेंट जीरो होगा तो आगे फिर जो भी एलिमेंट होगा वो चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए वो क्या होगा वो इस पिछली रो के पहले नॉन एलिमेंट से क्या होगा आगे ही होगा ठीक है स्टेज बना के भी आप इनको जज कर सकते हैं कि यहाँ तो वो यहाँ पे होना चाहिए ठीक है फिर वो क्या होना चाहिए नॉन जो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए पिछले पिछली रो के पहले नॉन एलिमेंट से आगे ही होना चाहिए ठीक है उसके लिए फिर क्या करना होगा उसके लिए इसको जीरो करना पड़ेगा उसके अलावा इससे नीचे वाला एलिमेंट है उसको भी जीरो करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट जो आने वाली रोज हो उनका भी पीव एलिमेंट क्या हो पिछली रो से आगे ही रहे ओवरऑल क्या करते हैं पहला एलिमेंट वन बनाने के बाद उससे नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं एक्ट्रोन फॉर्म बनाने के लिए उनको हम जीरो करते हैं ठीक है और अगर रिड्यूस एक्ट्रोन फॉर्म बना नहीं हो तो नीचे वाले एलिमेंट के साथ साथ ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो बनाते हैं ताकि वो रिड्यूस एक्ट्रोल फॉर्म जो है आपकी बन जाए फिलहाल तो एलिमेंट एलिमेंट वन बनाने के बाद हम क्या करेंगे इससे नीचे वाले को जीरो कब अब अब कि तो तो आप, करना है, आप, करना है। करेंगे, जब आप करेंगे, करेंगे जब आप फाइव में से फाइव को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने रो ऑपरेशन कौन से लगाने अगर मानस थ्री को जीरो करना है तो उसमें उसमें आप लोगों को थ्री को ऐड करना पड़ेगा तो थ्री ऐड ऐस, ऐसे कै, कैसे करेंगे ये जो वन बना हुआ है जिस कॉलम में उसी कॉलम की एंट्री को अगर आप लोगों ने जीरो बनाना है तो आप क्या करें वन जी जिस रो में मौजूद है उस पूरी की पूरी रो को आप क्या करें थ्री से मल्टीप्लाई कर दें अगर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थ्री आ जाएगा और इस थ्री को या पूरी की पूरी रो को जब हम इस रो में ऐड करेंगे तो यहाँ पर थ्री हमें यहाँ पे जीरो बन जाएगा जो कि हमें चाहिए तो नेक्स्ट टाइम में आप क्या करते हैं रो वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे के पास क्या आएगा पास है रो वन थ्री फिफ्टीन और नाइन मल्टीप्लाई कर दिया अब उसके बाद इसको क्या करेंगे इसको रो टू में ऐड करेंगे तो थ्री आर वन को ऐड कर दिया रो टू में तो ये वाला प्रश्न आके पास यहाँ पे लग जाएगा करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को करते हैं थ्री को माइनस थ्री में ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा जीरो आ जाएगा जिस रो में ऐड करना है उसमें चेंजिंग होगी दूसरी वो पहली रो में चेंजिंग नहीं होगी ठीक है पहली रो वैसे की वैसे रहेगी हमने जैसा क्या किया पहली रो को थ्री थ्री के साथ मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आ रहा है उसको जो है हम लोगों ने आर टू में ऐड किया तो आर टू में चेंजिंग होगी यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट फिफ्टीन को फाइव में ऐड करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी उसके अलावा नाइन को सिक्स में ऐड करेंगे तो आंसर आके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा तो ये वाला ऑपरेशन था हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो है आप नेक्स्ट मैट्रिक्स लिख के भी परफॉर्म कर सकती हैं या फिर आप इसी की जगह पे जो है नेक्स्ट ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि अभी जो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म पर 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 किया है उसमें आर में चेंजिंग हुई है और नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोग ने परफॉर्म करना है उसमें हमने फाइव की जगह जीरो बनाना है यानी कि आर में चेंजिंग करनी है किसी और रो में चेंजिंग करनी है इसलिए आप दूसरा ऑपरेशन भी जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं जब डिफरेंट रोज में चेंजिंग आ रही हो ठीक है तो आप एक ही वक्त में जो है वो दो या तीन ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम में उसी रो के ऊपर जो है चेंजिंग में जो है चेंजिंग करनी है तो आप लोगों को नए सिरे से लिखना पड़ेगा जैसे जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था देखें यहाँ पे हम लोगों ने पहले आर वन आर थ्री को इंटरचेंज किया तो मानस यहाँ पे आ गया ठीक है जब माइनस यहाँ पे आ गया तो उसको पहले लिखा है उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया आर वन को जो है वो माइनस वन से मल्टीप्लाई किया इस तरह नहीं करेंगे कि आर वन और आर थ्री को इंटरजन भी कर लें और साथ ही साथ जो है आर आर वन को जो है वो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें ये दो ऑपरेशन हम यहाँ पे जो है इकट्ठे नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आर वन और वन फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में इंटरजिन भी हो रही है और फर्स्ट रो के साथ जो है वो माइनस वन भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये डाउट क्रिएट क्रिएट हो जाएगा क्लियर नहीं होगा कि हम लोगों ने माइनस वन जो है वो इस इस फर्स्ट रो के साथ मल्टीफाई करना है या रोज को इंटरचेंज करने के बाद आपको जो फर्स्ट रो मिल रही है उसके साथ माइनस वन मल्टीफाई करना है तो अगर जिस रो में चेंजिंग हो रही है उसी रो के ऊपर आप लोगों ने दूसरा प्रश्न भी लगाना है दोबारा फिर से जैसा कि यहाँ पे देखें पहली रो में चेंजिंग हो रही थी आर वन थ्री से तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने फिर आर वन के ऊपर लगाया तो जिस रो में चेंजिंग हो रही है एक बार दोबारा फिर अगर आप लोगों ने उसी रो के ऊपर प्रश्न लगाना है तो आप लोगों ने फिर नए सिरे से मैट्रिक्स लिखने के बाद दोबारा फिर से आप लोगों ने जो है वो अगले स्टेप में जो है वो लोगों ने क्या करना है वो ऑपरेशन लगाना है एक ही जगह पे आप लोगों ने नहीं लगाना वो वाला वा ऑपरेशन वा ठीक है अगर आपकी चेंजिंग जो है डिफरेंट डोज में हो रही है तो आप फिर एक जगह पे दो प्रेशन लगा सकते हैं ये वाला जब ऑपरेशन लगाया तो आर टू में चेंजिंग हुई आर थ्री में कोई चेंजिंग नहीं हुई और नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या करना था नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने फाइव की जगह जीरो बनाना था यानी कि आर थ्री में चेंजिंग करनी थी तो ये वाला ऑपरेशन जो है फिर हम क्या कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब जो है किसी और में चेंजिंग हो रही है तब जो है नेक्स्ट दूसरा ऑपरेशन जो है वो जिसमें हम लोगों ने फाइव को जीरो करना है वो भी हम जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे

आर थ्री में से माइनस कर रहे हैं फाइव आर वन को ये जबान याद करने जो की जरूरत नहीं पड़ी मैट्रिक्स की एंट्रीज को देख देखिए आप लोगों ने जज कर लिया कि कौन सा प्रश्न जो है हम, हमने यहाँ पे लगाना है तो फाइव आर वन को क्या करेंगे सॉरी आर थ्री को क्या करेंगे आर uh, थ्री में से हम क्या करेंगे फाइव आर आर वन को माइनस करेंगे तो करस्पोंडिंग एंट्रीज को माइनस करते हैं फाइव में से इस फाइव को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या जाएगा जीरो नाइन में से ट्वेंटी फाइव को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस सिक्सटीन और थ्री में से फिफ्टीन का मनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा तो ये दो प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने जो एक कर दी है उसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉलम वाइज आप लोगों ने मूव करना है आप लोगों ने बनानी हो या आप लोग जब भी लगाने हो कॉलम वाइज मूव करना है ने एक कल हमारा क्लियर हो गया देखिए यहाँ पे यहाँ पे वन बन गया नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं जब उससे एलिमेंट सारे जीरो बन गए हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा नेक्स्ट जो रो उसका नॉन जो एलिमेंट क्या होगा इस वन से क्या होगा आगे ही होगा पिछली रो के पहले एलिमेंट से आगे की होगा चाहे वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे जीरो बनाने की वजह से वो हो क्या होगा आगे ही चला जाएगा ऑटोमेटिकली और यही हमें चाहिए होता है एश्लॉन याशन फॉर्म जो है बनाने के लिए उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे आ आगे आपके पास ट्वेंटी पहला नॉन जीरो एलिमेंट एश्लोन फार्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो वन बनाएंगे ठीक है एश्लोन फार्म के लिए यहाँ पे कोई कोई वन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है और जो एश्लोन फार्म बनाने के लिए यहाँ पे वन होता है लेकिन हम क्या करते हैं एश्लोन फार्म बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पे वन ही बनाते हैं क्योंकि वन की मदद से जो है हमारे लिए आसान हो जाता है कि उस वन के वन जिस कॉलम में मौजूद है उसके ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट्स को हम जो है वो जीरो बना सकें ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ फिर इस ट्वेंटी को जो है वो वन बनाने की कोशिश करते हैं अब वन किस तरह बना सकते हैं यहाँ तो हम जो है क्या करें डायरेक्टली जो है पूरी की पूरी रो को वन और ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है उससे क्या होगा ये ट्वेंटी वन बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फिफ्टीन ओवर ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ पे आपके पास वन बन जाएगा या फिर कोई और ऑप्शन अगर देखना चाहिए अगर आपके पास आपके जिन में आ रहा है तो अगर फाइव को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ट्वेंटी में ऐड करें तो वन नहीं बन रहा क्योंकि फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो फिफ्टी आ रहा है फोर से मल्टीप्लाई मल करेंगे तो ट्वेंटी आ जाएगा तो ट्वेंटी को अगर ट्वेंटी में ऐड करेंगे तो फोर्ट बन जाएगा अगर ट्वेंटी को ट्वेंटी में से माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा वन नहीं बन रहा इसी तरह सिक्सटीन को भी यूज़ करते हुए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम जो है वो इस ट्वेंटी में ऐड करें तो ना ही हमारे पास जो है वो यहाँ पे ए, वन बन रहा है ना ही कोई माइनस वन, वन जो है बन रहा है यहाँ पे तो वन बनने के चांसेस जो है वो इस इस वे को जो है वो इस थर्ड ऑपरेशन को जो यूज करते हुए जिसमें हम क्या करते हैं मैट्रिक्स की रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी रो में जो ऐड करते हैं या वो वाला ऑपरेशन जो यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वन या माइनस वन जो है नहीं बन रहा के हम जो है वो फ्रैक्शन इन्वॉल्व किए बगैर ट्वेंटी की जगह वन लेके आ सके इसका मतलब ये कि अब हमें वो ये वही ऑप्शन जो है वो जो जो हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर आप आग लोग आप लोगों ने वन बनाना आता है तो नंबर के रैसेपुर लोगों के साथ जो है वो पूरी की पूरी रो रोक को मल्टीप्लाई कर दें यही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हमें फिर क्या करना होगा इसी ऑप्शन को जो है यूज़ करना होगा कि वन ओवर ट्वेंटी के साथ जो है वो पूरी की पूरी रो को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जो रो प्रशन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उन रो प्रशन में हम लोगों ने सेकंड रो प्रशन जो है यूज़ करना है कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वन ओवर ट्वेंटी के साथ पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ट्वेंटी की जगह वन बन सके किसी और वे से जो है वन नहीं बन रहा इसलिए हमें जो है फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा आपका यहाँ पे जीरो को 20 1 ओवर ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर ट्वेंटी से तो वन आ जाएगा और 15 को 1 ओवर ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 ओवर ट्वेंटी जो सिंपलीफाई होने के बाद क्या बन जाएगा थ्री ओवर फोर बन जाएगा तो फिफ्टीन ओवर ट्वेंटी यहाँ से अगर आप जो है वो आ, 5 से करेंगे तो फाइव को थ्री यहां यहां से लिख दिया है अब आपका जो है वो आपको चाहिए था यहाँ पे अब अगर आप लोगों ने रेडियो फॉर्म बनानी थी तो आप लोगों ने क्या करना था वन से ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो बनाना था फाइव को भी जीरो बनाना था और माइनस सिक्सटीन को भी जीरो बनाना था लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम जैसे कर जो तभीट्रिक्स की रैंक के बारे में बात चल जाएगा इसलिए हमें वन से ऊपर जो फाइव है उसको जीरो बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है की जरूरत नहीं है रिड्यूस एक्सलोन फॉर्म बनाएंगे तभी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा रैंक का आंसर जो है वो जो भी आ रहा है वो सेम ही आएगा तो एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है जब आपके पास जो है जो है वो एक दो ऑपरेशन जो है वो कम यूज करके भी आपके पास जो है वो आंसर मिल रहा है आपको या कह लें कि रेडियो एक्श्रोन फार्म बनाए बगैर ही एशोलॉन फॉर्म बनाने से ही आपको आप लोगों को जो है वो आंसर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे जैसे एश्लॉन फॉर्म में बनाएंगे रिड्यूस एक्श्रोन फॉर्म जो है नहीं बनाएंगे यहाँ पे अदरवाइज अगर आप रिड्यूस एक्शोन फॉर्म बनाते भी हैं तभी आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा खैर हमने एश्रोन फॉर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वन के नीचे जो माइनस सिक्सटी आ रहा है हम इसको जीरो करेंगे अब माइनस सिक्सटीन जीरो कब होगा जब माइनस सिक्सटीन में सिक्सटी ऐड होगा 16 तो नहीं कर सकते हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे कि जिस कॉलम में ये 16, 16 आ रहा है जिसको हम लोगों ने जीरो बनाना है उस कॉलम में देखे वन कहाँ पे? पे है वन यहाँ पे है सेकंड रो में है तो हम क्या करेंगे सेकंड रो को हम क्या करेंगे सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करके इस थर्ड रो में ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 16 जो बनेगा वो इस माइनस सिक्सटीन में ऐड हो जाएगा हमें आंसर से मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए तो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं जो ये सेकेंड रो है इसको सिक्सटीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्सटीन आर टू इसका आंसर हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे तो इसका आंसर आएगा आपके पास ज़ीरो सिक्सटीन और थ्री बाय फोर को जब हम सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है ये कैंसलेशन होगी फोर की तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेल्व तो थ्री बाई फोर को सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेल्व ये आंसर आ गया का और को हम लोगों ने क्या करना है थर्ड रो में ऐड करना है तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा आपके पास को थर्ड रो में ऐड करना है तो ये बन जाएगा तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा जो कि यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं और ऑपरेशन आप लोगों ने एलिमेंट्स को देख के ही आप लोगों ने जज कर लेना है यहाँ आप लोगों को पता आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन जो है लगाना बेहतर होगा यहाँ पे अब ये सिक्सटीन आर आर टू को हम क्या करेंगे थर्ड डो में ऐड करेंगे थर्ड थर्डो कौन सी है ये वाली है कोरोस्पॉग एंट्रीज को ऐड करती हैं यहाँ पे इस जीरो को इस जीरो में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा सिक्सटीन को माइनस सिक्सटीन में ऐड करेंगे आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जीरो जो कि हमें चाहिए था उसके अलावा यहाँ पे ट्वेल्व आ रहा है तो इस 12 को इस को में ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी, भी आपके पास आंसर जो है वो जीरो बन गया है अब देखेंगे एश्लोन फॉर्म जो आपकी बन गई है ठीक है यहाँ पे भी जीरो आ गया है तो पूरी की पूरी रोज़ जो है जीरो बन गई है अगर यहाँ पे जीरो ना आता यहाँ पे कोई नंबर आ जाता ठीक है तो फिर आपकी ये एश्लोन फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह जो है वो ये वाली बननी थी ठीक है कि हर एंट्री रोज जो है उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री जो है वो क्या आ रही है पिछली रोज से आगे ही आ रही है तो ये की एशलोन फॉर्म बन जानी थी इस केस में आपकी एशलोन फॉर्म में जो है वो कोई भी नान कोई जो नंबर ऑफ नॉन नान रोज होनी थी वो कितनी बन जानी थी वो वन टू थ्री वो तीन बन जानी थी क्योंकि यहाँ पे फाइव आ रहा है ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन को जो लगने साल किया इसमें यहाँ पे जो है वो भी जीरो बन गया एंड पे और ऑटोमेटिकली जो है पूरी की पूरी एक रोज़ जो है वो जीरो बन गई है और आपकी अश्लोन फार्म भी बन गई है ठीक है हर आने वाली रोज जो है उसमें जो पहला नाजियरोलीमेंट एलिमेंट है एलिमेंट है पिछली रोज से आ गई है और तो ये आपकी ओ जितनी जितनी भी जीरो रोज हैं वो एंड पे ही आ रही हैं आपके पास तो ये आपकी अश्लोन फॉर्म जो है बन गई है ठीक है अब इसमें अगर आप नॉन जीरो रोज की तादाद को देखें तो वो कितनी है वन और टू ऐसी रो जिसकी सारे एलिमेंट जीरो उसको जीरो रो कहते हैं और ऐसी रो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी जीरो आ जाए उसको नॉन जीरो रो कहते हैं अगर यहाँ पे भी जीरो आया था तो यहाँ पे वन है तो फिर भी ये रो क्य होनी थी इसमें अगर चाहे दो जीरो आ रहे हैं लेकिन फिर भी ये रो क्योनी थी ये नॉन जीरो रो होनी थी ठीक है ऐसी रो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन जीरो आ जाए उसको नॉन जीरो रो कहेंगे तो यहाँ पे जो आपको नॉन जीरो रोज मिल रही है वन और टू वो दो मिल रही है

एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं ये आपके मैटिक्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन पड़ती है वो एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो वो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है जब आपका काम जो है वो सिर्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही बन रहा है तो आप लोगों ने क्या करना जस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म है मैट्रिक्स को तो जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो क्या होगी मैटिक्स की रैंक होगी तो ये वाला मैटिक्स जो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे गिवन दिया गया था इसकी रैंक कितनी है टू है उसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो जब हम लोगों ने एंड फॉर्म की जो है वो डेफिनेशन पड़ी थी तो उसमें भी हम लोगों ने हमें हमने एक मैट्रिक्स को जो है वो एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था ये एग्जाम्पल नंबर एटीन जो है हम लोगों ने की थी जब हम लोगों ने एशेलोन एंडलोन फॉर्म की जो डेफिनेशन पड़ी थी वो डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर एटीन सॉल्व की थी जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स ए को एशलोन फॉर्म में रिड्यूस किया था उसके अलावा फॉर्म में भी इसको जो है वो रिड्यूस किया था मैट्रिक्स ए को तो अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल अगर आप ये समझ लें कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी रैंक बताएं तो रैंक बताने के लिए आपको क्या करना होगा मैट्रिक्स ए को इस मैट्रिक्स ए को एशलोन फॉर्म में ही रिड्यूस करना पड़ेगा रो ऑपरेशन लगाने के बाद तो ये वाली एग्जाम्पल हम लोगों ने की हुई है जब आप रो ऑपरेशन लगाएंगे और मैट्रिक्स को जो है आप एशलोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो इसमें देखें इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं और टू, दो आ रही हैं इसलिए यहाँ पे भी जो आपको मैट्रिक्स ए गिवन दिया गया है इसकी रैंक कितनी है इसकी रैंक यहाँ पे टू है ठीक है और उसके अलावा अगर आप चाहें तो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करके देख लें यहाँ पे रिड्यूस एक्शन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म किया था हम लोगों ने रिड्यूस एक्शन फॉर्म क्या होती है पीवट एलिमेंट आपका वन हो और पीवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो तो प्यूवर्ट एलिमेंट वन है ऊपर इस इसलिए इसके ऊपर है नहीं है यहां पे। तो आपकी आप जीरो रोज को गिनेंगे तो कितनी आ रही है वो दो ही आ रही है तो इसलिए यहां से भी आपको कन्फर्म हो जाएगा की मैट्रिक्स की रैंक कितनी है टू है तो फॉर्म फार्म के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और रिजल्ट भी आपको सही मिल रहा है तो एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है आप जैसे क्या करें मैट्रिक्स को जो है वो एशलोन फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बस वो एशलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के बाद देखिए उसमें नॉन जो रोज कितनी है जितनी नॉन जो रोज होगी उतनी ही मैट्रिक्स की क्या होगी रैंक होगी उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ एक्सरसाइज में जो रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज थ्री है ये वाली और इसका क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में आपको जो है वो पांच पार्ट दिए गए हैं पांच पाँच गिवन दिए गए हैं जिनकी रैंक आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है और रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप पता है को हम जो है वो फॉर्म में रिड्यूस करेंगे यूजिंग रो रोपेश तो पहले चार पार्ट हम लोगों ने करने हैं और पाँचवा पार्ट, पार्ट जो है आप लोग यहाँ पे स्किप कर दें ये जो है आप लोग इसको छोड़ देंगे आप लोगों को ये आप लोग आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो पहले चार पार्ट्स हैं वो हम लोग करेंगे उन चारों पार्ट्स में एक पार्ट में आप लोगों को जो है वो सॉल्व करके जो है पूरा बताऊंगा ताकि आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस हो सके कि रो रोप्रेशन किस तरह लगाते हैं चाहे आप लोगों ने मैट्रिक्स को रिड्यूस एक्ट्रेन फार्म में ट्रांसफॉर्म करना हो चाहे एक्श्रोन फार्म में ट्रांसफॉर्म करना हो चाहे मैटिस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना हो चाहे रैंक फाइंड आउट करनी हो सभी के लिए रो ऑपरेशन लगते हैं रो ऑपरेशन किस तरह लगते हैं उसकी आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस हो और रैंक के क्वेश्चन की मजीद प्रैक्टिस हो इसके लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है इनमें से आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पे इन चार पार्ट्स में से ठीक है और वो फिर मैम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे क्योंकि अभी की मीटिंग के लिए इतना टाइम जो है वो नहीं बचा लेकिन अगर आप लोग जो है इसी रो प्रशन को ऑपरेशन को अगर आप अपने माइंड में रखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इस एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का ये इसमें जिसमें हम लोगों ने जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे जो है सिखा हुआ था इसमें भी रो प्रेशन लगते हैं तो आप जो है इन रो रोपेशन को माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चन इन ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करने के लिए दिए थे क्वेश्चन नंबर फाइव के जो पार्ट्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे आप लोगों ने इनको अगेन दोबारा फिर से देख के इनको सॉल्व करना अगर आप लोगों ने इनको सॉल्व नहीं किया हुआ और वो प्रेशन जो है वो सेम तरीके से लगते हैं सेम प्रोसीजर का फॉलो करते हुए है, लगते हैं कि चाहे आप लोगों ने नेशन फॉर्म नहीं हो मेरे रिड्यूस करना हो चाहे रिड्यूस फॉर्म में रिड्यूस करना हो चाहे आप लोगों ने मेट्रिक्स को जो है वो डेंटी मैटिक्स में रिड्यूस करना हो सभी केसेस में टेक्निक जो है वो सेम ही होती है और रो ऑपरेशन जो है कौन कौन से लगने हैं उनको फाइंड आउट करने का भी जो है सेम ही होता है जैसे आप लोगों ने ये जज करना होता है कि आप लोगों ने कौन से शेप में जो है मैट्रिक्स को रिड्यूस करके जो है वो लाना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस सेकंड पार्ट को अगर देखें इसमें हम लोगों ने क्या करना है क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है और मल्टीप्लीकेट यूनिवर्स फंड के लिए हम क्या करते हैं मैट्रिक्स को जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस करते हैं यूजिंग रो रोपेशन फिर जो ऑपरेशन लगा के आपने मैटिक्स को डेंटीमेटिक्स में रिड्यूस किया होता है साइड में वही डेंटीमेटिक्स जो है वो उतनी ऑर्डर का डेंटीमेटिक्स लिख के साइड पे वही ऑपरेशन जो है तीन बार जो है वो डेंटीमेटिक्स के ऊपर लगाते हैं और डेंटीमेटिक्स जो है वो जिस मैटिक्स में जो है वो रिड्यूस हो होते हैं इन द एंड वो मैट्रिक्स क्या होता है ओरिजिनल मैटिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव मट्टीप्लीकेटिवर्सिलिटी ने आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो ये वाला पार्ट नंबर सिक्स जो है वो प्रीवियस मीटिंग में जो है वो एक कम्प्लीट जो है वो सॉल्व करके ए समझाया हुआ है उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर थ्री मैंने आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर फाइव का करने के लिए दिया था उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिया होगा इसके अलावा बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने जो है वो इसी तकनीक इसी मदद को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करने हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर इसमेटिक्स को आप लोगों ने डेंटीमेटिक्स में रिड्यूस करना है रो ऑपरेशन तो पहला एलिमेंट हमें क्या चाहिए वन चाहिए तो आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में यहाँ पे वन पहले से मौजूद है हम क्या करेंगे इन दो रोज को क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो और थर्ड रो को तो ये वाला वन जो है यहाँ पे आ जाएगा आपको यहाँ पे वन मिल जाएगा ठीक है जब तो यहाँ पे वन मिल जाएगा तो ये वाला जीरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो पहला कलम आपका जो क्लियर हो जाएगा मार्टिस का वन जीरो जीरो आ गया आपके पास नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे वन बनाना है वो देखना है फिर आप लोगों ने आपकी आंटीज जो है उनकी कौन कौन सी आ रही हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद अगर यहाँ पे वन पहले से ही आया था तो अच्छी बात अदरवाइज आप लोगों ने देखना कौन सा ऑपरेशन लग रहा है वो ऑपरेशन लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वन बनाना है और फिर इस वन की मदद से आप लोगों ने क्या करना है ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बनाना है क्योंकि आप डेंटीमेटिक्स बना रहे हैं डेंटीमेटिक्स में सेकंड कॉलम में जो है वो थ्री क्लास की ओर डिटेमेटिक्स में दरमियान वाली आंटी वन होती है और ऊपर नीचे वाले एलिमेंट क्या है ज़ीरो होते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम में आप लोगों ने क्या करना है इस पोजिशन पर जो भी एलिमेंट आएगा ए, उसको वन बन बनाना है फिर उस की में से उसके ऊपर जो एलिमेंट्स अगर आ रहे होंगे आपके पास जो नॉन जीरो होंगे आप लोगों ने उनको जीरो बनाना है तो इस तरह जो है वो मैट्रिक्स स्कीम को देखते हुए कालम वाइज आप लोगों ने मूव करते हुए अपने मैट्रिक्स को वो मैट्रिक में करना है, फिर जितने भी लोगों ने लगाए होंगे साइड पे जो है लोगों ने उतने ही ऑर्डर का थ्री क्लासर का जो भी मैट्रिक्स आपका इन्वाल्व हो रहा है क्वेश्चन में उतने ही ऑर्डर का डेंटीमेटिक्स लिख लेना है और वही सेम ऑपरेशन जो है तत्ती है लोगों ने क्या करना है इसी मैट्रिक्स के ऊपर जो है वो साइड पे या नेक्स्ट पेज पेजों ने जो है वो अप्लाई करते करते जाना है एंड पे डेंटीमेटिक्स जो है आपका जिस मैट्रिक्स में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा वो क्या होगा ये जो लेट से अगर ये मेट्रिक्स आपके पास ए है तो यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं ठीक है कन्फर्म करना आपके सोल्यूशन में नहीं है यहाँ पे लेकिन अगर आपके पास टाइम आप है आप कन्फर्म करना चाहते हैं आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा तो ये जो मैट्रिक्स ए है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स ए जिसका लोगों ने मैट्रिक्स ए का नाम दिया होगा और यहाँ से जो आपको जो है वो मल्टीप्लिकेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा उसको आप लोगों ने क्या करना है मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर डेंटी मैटिक्स आ रहा है तो वहाँ से आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि वाकई आपका ये जो मेट्रिक्स आया जिसको आप लोग मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहे हैं और वाकई जो है मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है ठीक है इस डेफिनेशन को जो भी मैट्रिक्स फॉलो करता है कि एक मैट्रिक्स को अगर दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास डेंटी मैट्रिक्स आ जाए तो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं तो इस डेफिनेशन को जो है वो फॉलो यूज़ करते हो आप जो है कन्फर्म भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वाकई ओरिजिनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं तो अगर आपके पास टाइम है आप चेक करना चाहते हैं तो कन्फर्मेशन कर सकते हैं तो अदरवाइज यहाँ पे कन्फर्मेशन करना आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं है आप लोगों ने जस्ट मल्टीप्लैटिकवर्स फॉलोड करना है ठीक है तो इसी मेथड को इसी वे को फॉलो करते हैं और लोगों ने इसके बाकी पार्ट्स भी जो है वो क्वेश्चन नंबर फाइव के जो है करने हैं यहाँ पे दिखने में आप लोगों को ये मैट्रिक्स जो है नजर आ रहे होंगे लेकिन क्योंकि यहाँ पे वन वन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है तो जस्ट रोज़ को इंटरचेंज करने से ही आपका जो है वो आसानी से डेंटी मैटिक्स बन जाएगा आपको ज़्यादा ऑपरेशन जो है नहीं लगाने पड़ेंगे ठीक है तो ये बड़े आसानी है बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद कर लेने हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रैंक सेलेटेड जो एक पार्ट है यहाँ पे जो पहले चार पार्ट्स हैं जो हम लोग ने करने हैं इनमें से एक पार्ट जो है मैं आप लोगों को कंप्लीटली जो है सॉल्व करके बताऊंगा ताकि रैंक के क्वेश्चन भी आप लोगों की जो आप आप लोगों की जो है प्रैक्टिस हो सके तो अभी के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे